अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2023 के प्रोविजन मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मैंने डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें आपके साथ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस मेरिट लिस्ट के रिलेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डिफिशिएंट था कोई डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो उसको कैसे आप ठीक करवा सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए। इसके अलावा अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हो, वहाँ पर आपको कोई डिफिशेंसी आ रही है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, या आपका फॉर्म गलत हो गया है, या आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हुए हैं, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो उसको ठीक करने का सिर्फ क्या सलूशन है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सी कैटेगरी चलेगी कौन सी कैटेगरी नहीं चलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन कोई दी होगी उनके साथ क्या होगा, और किन का नाम जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आ जाएगा, किन का नाम उनमें नहीं आ जाएगा, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू PM SSS में BDS के लिए एडमिशन करना चाहते हो, पर्टिकुलरली BDS है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगी कि आपने 12th पास आउट किया होना चाहिए, आपने PM SSS का फॉर्म भरा होना चाहिए, और आपका स्कोर 140 से अबो होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो, आप हमारे थ्रू BDS कर सकते हो PM SSS में। ओनली BDS, और कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है BDS के लिए आप एडमिशन कर सकते हो। उसके लिए आपको हमें मैसेज करनी होगी, आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पर, इस पर आपको मैसेज करनी है, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रोविजन मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपका प्रोविजन मेरिट लिस्ट बनता है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। और एक बात मैं यहाँ से आपको बता दूँ, ये पिछले साल का है लेकिन इस साल भी सेम इसी तरीके से आपका प्रोविजन मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर आपको किस तरीके से इसमें अपनी रैंक चेक करनी है, अगर आपकी कैटेगरी कोई डिफिशेंट है तो उसको क्या करना है, उस कैंडिडेट को EWS कैटेगरी PWD कैटेगरी के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, या अगर आपकी कोई कैटेगरी है जो आपने अपलोड की है जिसका डेट भी चला गया है, या अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हो फिर आपको डिफिशेंसी आ रही है वहाँ पे कोई, तो उसको कैसे ठीक करना है, सब कुछ मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट लिस्ट, तो मैं आपको यहाँ से पहले मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका रोल नंबर, नेम, जेंडर, रैंक, नीट स्कोर, कैटेगरी और सब कैटेगरी। यहाँ से डिफिशेंसी भी लिखी गई होगी, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डिफिशेंसी होगी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ किसी कैटेगरी की हम चेक करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कोई कैंडिडेट है, इसका नाम है नासिर हुसैन, मेल। यहाँ से आप देख सकते हो EWS कैटेगरी इसने दी है, लेकिन EWS में डिफिशेंसी दिखा रहा है इसको। तो अभी इसको ठीक कैसे करना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन चीज़ों को आपको चेक करना है, अगर आपको ये चीज़ सारी सही लग रही है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर आप डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए वेट कर दो। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या उसके लिए प्रोसीजर रहेगा, या किस तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसमें क्या देखा जाएगा, तो यहाँ से सब कुछ मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड बताऊँगा। तो पहले आप यहाँ से देख सकते हो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका जो स्कोर है वो कट ऑफ में नहीं आ रहा है, फिर भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया इसी, तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, वो प्रोविजन मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ से उन्हें ये मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो सपोर्ट्स काउंसिल के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया है, तो उनको क्या करना होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो उनको रजिस्टर करना होगा अंडर सपोर्ट्स कैटेगरी। तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर रहेगा वो उनको ऑलरेडी पता करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से सम कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड हुज फॉर्म्स आर डिफिशेंट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वन आर मोर डॉक्यूमेंट्स। तो जिनको भी कोई डिफिशेंसी है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, या कोई भी प्रॉब्लम उनको हो गई है डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूँ उनके लिए प्रोविजनली जो काउंसलिंग के लिए उनको एडमिट कर दिया जाएगा, तो वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनको फिर फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए बेस्ट प्रोसीजर यही रहेगा कि अगर आप पहले ही JKBOP ऑफिस विजिट करोगे, वहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, या अगर आपको कोई डिफिशेंसी आ रही है या कुछ चेंज कराना है, तो आप विजिट कर सकते हो। डेट्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाना है या कोई भी चीज़ ठीक करवानी है, तो आप ऑफिशियली विजिट भी कर सकते हो। इसमें मैंशन किया गया है, इस साल के डेट्स आ जाएंगे, उसमें भी मैंशन किया होगा। उसके बाद PWD PH कैटेगरी की बात करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो उनको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कैटेगरी जो है PWD, इसमें बेंचमार्क जो है आपका वो 40% से बिलो, मतलब 30% है, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं बन जाते हो, आपकी जो रैंक है वो अपर मेरिट कंसिडर की जाएगी, 40% होनी चाहिए या 40% से अबो, तब वो मानी जाएगी, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिजेक्ट हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से आप देख सकते हो
जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए एज पर SRO 518 ऑफ 2019, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से EWS सर्टिफिकेट बनती है, सेंट्रल की EWS सर्टिफिकेट नहीं चलेगी बिल्कुल भी नहीं, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपको फिर से अगर आपने गलत अपलोड कर दी है, आप EWS डिफिशेंसी आ रही है, तो अगर आपको इसको ठीक करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, JK Bhopi ऑफिस विजिट कर सकते हो, वहाँ पे दूसरी या तो दूसरी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट दे दो या आपको अपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगी वहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप को लग रहा है कि आपके नेम में या आपके परसेंटेज में या मार्क्स में कोई भी एरर है तो आप ठीक करवा सकते हो, आपको विजिट करना पड़ेगा JK Bhopi ऑफिस। ईमेल के थ्रू आप कुछ भी ठीक नहीं करवा सकते हो, यहाँ पे वो देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूँ, सच कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर सम रिजर्वड कैटेगरीज बट डज नॉट पॉज द वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आपने IC कोई अपलोड कर दी फेक वगैरह, उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल रहोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कल होती है, कल आपका एडमिशन कैंसिल होता है, तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल रहोगे, ये यहाँ पे लिखा गया है। बाकी मैं आपको बता दूँ, इसमें रैंक वगैरह जो ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ जो आपने किया उसी के हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बनाया गया है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि इस मेरिट लिस्ट में कोई एरर है या कोई मिस्टेक है या यहाँ पे ये रैंक होनी चाहिए थी, तो आप इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, उसके लिए भी डेटस दिए जाते हैं इसमें। यहाँ से और एक चीज़ आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ, जो BUMS BAMS है उनके लिए अलग से नोटिफाई किया जाएगा, काउंसलिंग शेड्यूल उनके लिए अलग से आएगा, और ऑनलाइन प्रेफरेंस जो है उसके लिए लिंक अलग से नोटिफिकेशन आएगी। इसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा आपका प्रोविजन मेरिट लिस्ट, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझा देता हूं, तो वक्त के साथ साथ जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं उसी के साथ प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी प्रोविजन मेरिट लिस्ट आएगा, मैं चाहता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता हो कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट में क्या हो, जब आपके सामने वो आ जाए तो आप इजीली उसको पता कर सको कि मुझे क्या करना है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो इसके बाद फिर काउंसलिंग आएगी, आपको फिर प्रेफरेंस देनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो यहाँ से आप देख सकते हो, द कैंडिडेट इन दियर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू ग्रो थ्रू द इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, तो वो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूँ, BUMS BAMS BPT कोर्स के लिए अलग से काउंसलिंग शेड्यूल आता है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके लिए आपको नोटिफाई फर्दर किया जाएगा, और बाकी डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के हिसाब से रहेंगी। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट आता है और इसी तरीके से उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। आई होप कि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर रहे होंगे, फार्मर्स क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं फार्मर्स, अब जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, सबका नाम आएगा जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन की होगी, लेकिन वहाँ पे उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको डिफिशेंसी आ रही है वो लिखा होगा, और फिर JK Bhopi ऑफिस विजिट करके उसको ठीक करवाना पड़ेगा। इस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं NEET UG प्रोविजन मेरिट लिस्ट के रिलेटेड। आई होप कि आप सब लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टाइप पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।